नादिया हुसैन एक मशहूर अदाकारा और स्किन केयर माहिर हैं जिन्होंने ड्रामों में अपने बेशुमार काम से शोहरत हासिल की। वो शहर में जिल्द की देखभाल करने वाली बेहतरीन माहिरीन में से एक हैं और अपने चार बच्चों की जिम्मेदार माँ भी हैं। नादिया ने अपने कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया और ज़्यादातर वक्त वो आयशा सना की मेज़बानी में मीना बाज़ार में नज़र आईं। वो इस प्रोग्राम में जिल्द को सफ़ेद करने और चमकाने के लिए अपनी तमाम तर तकनीकियों के साथ नज़र आईं। वो जिल्द के दागों को ठीक करने में भी माहिर हैं। नादिया हुसैन तिराक और साफिक एयरलाइन पायलट भी हैं। हम कह सकते हैं कि वो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की मल्टी टैलेंटेड डेवा हैं। वो दोहरी कौमी फनकार हैं जो स्वीडन में पैदा हुई और इनकी मगरबी परवरिश की शख्सियत पर भी असर है। वो अपनी शादी के बाद भी ज़ाहरी लिबास पहनती थीं लेकिन एक बार इंटरव्यू के दौरान इसने बताया था कि इन्हें गहरी गर्दने पसंद नहीं हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो दोबारा मगरबी कलाथ पहने हुए नज़र आईं। नादिया की शादी एक बैंकर से हुई थी और अपने चार बच्चों की परवरिश पूरी जिम्मेदारी और देखभाल के साथ कर रही थी। वो अब किसी भी सीरियल में कम नज़र आती हैं क्योंकि इसे अपने बढ़ते हुए बच्चों के साथ घर में रहने की ज़रूरत है। इनके सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और याद किए जाने वाले काम में इस जुनून दीवान की, नूर बानो, तेरा यहाँ कोई नहीं और बहुत से हिट ड्रामे शामिल हैं। नादिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ खूबसूरत यादें शेयर की जब वो बैरून मुल्क सफ़र पर थीं। एक स्विमिंग सूट पहने देखा गया जो बहुत ज़्यादा जाहिर करता है वो अपने बच्चों और शोहर के साथ अच्छा वक्त गुजार रही थी। नादिया को इस तरह के कपड़े पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले इसे पीले रंग के लिबास में देखा गया था जिस पर नेटिजन्स ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। पाकिस्तानी अवाम ख्वातीन को ट्रोल किए बगैर नहीं छोड़ते। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।